दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नैक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। वैसे आज 21 तारीख हो गई है, पॉसिबली अगले 10 दिन में ये महीना भी खत्म हो जाएगा एंड आप जरूर इंटरेस्टेड होंगे इस बात में कि अगले महीने यानी अप्रैल में कौन से स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 15 के आसपास ऐसे स्मार्टफोन जो इंडिया में पॉसिबली अप्रैल के मंथ में लॉन्च होंगे। चलिए, इसमें हो सकता है कुछ ऐसे भी हो जो शायद मार्च में ही आ जाए, अभी तक इन्फॉर्मेशन आई नहीं, शायद मार्च में आ जाए, उनके बारे में बात कर लेंगे। चलिए देखते हैं कौन से स्मार्टफोन है, पसंद आ लगे मुझे शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों पसंद है। शुरू करते हैं सबसे पहले लिस्ट सैमसंग के साथ। वैसे सैमसंग ने अभी ग्लोबली A73, A53 और A33 को लॉन्च किया है। इसमें A73 कहा जा रहा है कि चांसेस कम है आने के, लेकिन A53 और A33 ये दोनों जो स्मार्टफोन है इसमें से कहा जा रहा है पॉसिबली मार्च एंड होने से पहले एक स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा एंड एक इसमें से अप्रैल में आएगा एंड हो सकता है अप्रैल एंड होने से पहले M53 भी आ जाए। वैसे ये सारे स्मार्टफोन डायमेंसिटी 920 और एक्सिनोज 1280 के ऊपर, जो M53 है वो कहा जा रहा है कि डायमेंसिटी 920 के ऊपर आएगा एंड बाकी ये दोनों जो A53 और A33 है ये दोनों आए हैं एक्सिनोज 1280 के ऊपर एंड बहुत स्पेसिफिकेशन काफी अच्छे हैं, उनके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए, जाके जरूर देखिए। प्राइसिंग इनकी 25,000 से 40,000 के बीच में होने वाली है सबकी एंड ये स्मार्टफोन सैमसंग की तरफ से आपको देखने को मिल सकते हैं अगले एक डेढ़ महीने के अंदर। डेढ़ महीने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 10 दिन बाकी हैं मार्च के भी एंड इसके अलावा कहा जा रहा है, कुछ लीक्स बता रहे हैं ऐसा, कि शायद आपको A13 A23 भी देखने को मिल जाए या फिर उनके बारे में आपको सुनने को जरूर मिल जाएगा। दोस्तों चलिए सैमसंग के तो 3-4 स्मार्टफोन हैं, इसके बाद बात करते हैं शाओमी। शाओमी के अंदर 3 ब्रांड्स आते हैं, शाओमी, रेडमी और पोको। शाओमी की तरफ से पॉसिबली शाओमी 12 सीरीज शायद आपको देखने को मिल जाए जिसमें 3 स्मार्टफोन है, शाओमी 12, शाओमी 12 प्रो और शाओमी 12X। लेट्स सी, देखते हैं इसमें से कौन सा आएगा। ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन इनके बारे में नहीं है, चाइना में तो लॉन्च हो चुके हैं लेकिन इनके लॉन्च के इंडिया के बारे में अभी तक कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अप्रैल एंड होने से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे स्नैपड्रैगन 870, स्नैपड्रैगन 888 और 8 Zen 1 जो है इनके ऊपर आते हैं एंड आपको बाकी सारे स्पेसिफिकेशन तगड़े मिलते हैं। पॉसिबली प्राइसिंग इनकी आपको 30,000 से लेके 50,000 या 60,000 तक भी जाएगी, एक की इसके बीच में मिलेगी आपको, अच्छे हैं, पॉसिबली इनके बारे में आपको देखने को मिल सकता है। वैसे रेडमी जो ब्रांड है इसके अंडर इंडिया में शायद आपको स्मार्टफोन लॉन्च ना होता हुआ ना दिखे, चाइना में एक स्मार्टफोन गया रेडमी K40 और K50 सीरीज के, दो स्मार्टफोन K40S, K50 और K50 प्रो, ये तीनों स्मार्टफोन इंडिया में पोको के अंडर लॉन्च हो सकते हैं, पोको F4 सीरीज के अंडर। अब वो किस नाम से आएंगे पता नहीं, कौन सा पोको F4 होगा, कौन सा F4 प्रो होगा, कौन सा F4 लाइट भी पॉसिबली हो सकता है, लेकिन काफी तगड़े स्पेसिफिकेशन वाले स्मार्टफोन हैं जो कहा जा रहा है। इसमें जो K40S है ये वाला तो 30,000 के नीचे इंडिया में लॉन्च होने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं कहा जा रहा है, ये भी अप्रैल एंड होने से पहले पॉसिबली आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद पोको की तरफ से पोको X4 प्रो जो है ग्लोबली गया हुआ है, आपको मालूम है ना वही Redmi Note 11 Pro Plus है, उसका ही रीब्रांडिंग है एंड डिजाइन काफी यूनिक है, वो वाला भी इंडिया आ सकता है जो कि आपको Snapdragon 695 के साथ AMOLED का पैनल सारी चीजें मिल जाती हैं। प्राइसिंग कहा जा रहा है इसकी 18,000 से 19,000 के बीच में होगी क्योंकि कुछ चीजें इसमें कम की गई हैं, जैसे 108 से 64 मेगापिक्सल कर दिया गया है, ठीक है, वेरियंट जो होंगे वो 664 से चालू होंगे, ग्लोबली 6128 पे गया हुआ है, तो ऐसे 2-3 चीजें कम करके प्राइसिंग थोड़ी सी कम की जा सकती है। ये एक स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है। चाइना में एक स्मार्टफोन गया है Redmi Note 11E के नाम से, डुअल कैमरा वाला है, Dimensity 700 के ऊपर आता है। ये स्मार्टफोन इंडिया में Poco M4 5G के नाम से आ सकता है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, जाके देखिए। तो ये 4 से 5 स्मार्टफोन आपको Poco की ब्रांडिंग के अंदर देखने को इस बार मिल सकते हैं। Xiaomi में हुए Xiaomi 12 वाला, Redmi के अंदर शायद इंडिया में अब कोई स्मार्टफोन अगले महीने लॉन्च ना हो। चलिए अच्छी बात है, इसके बाद चलते हैं BBK इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ, यानी सबसे पहले बात करेंगे ओप्पो और रियलमी की। ओप्पो की तरफ से कोई स्मार्टफोन दिख नहीं रहा जो लॉन्च हो, लेकिन रियलमी की तरफ से हैं 2-3 लाइन में। सबसे पहला है रियलमी GT2 सीरीज, GT2 और GT2 प्रो, ये दोनों ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो चुके हैं, आपको मालूम है स्नैपड्रैगन 888 और 8 जेन 1 के ऊपर आते हैं, काफी अच्छे स्मार्टफोन हैं, पॉसिबली ये इंडिया में भी लॉन्च होने वाले हैं क्योंकि रियलमी जो है इसको टीज करना शुरू कर दिया उन लोगों ने इंडिया लॉन्च को, तो पॉसिबली लॉन्च हो सकता है। प्राइसिंग इसकी 35,000 से 50,000 के बीच में कहा जा रहा है होगी दोनों की। अब लेट्स सी, देखते हैं किस प्राइस पे लेकर आते हैं, काफी तगड़े स्पेसिफिकेशन है, ये आपको देखने को मिल सकते हैं अप्रैल के मंथ में दोस्तों। और लास्ट मार्च में ही लॉन्च होने वाला है चाइना में रियलमी GT Neo 3, ये स्मार्टफोन डायमेंसिटी 8100 के ऊपर आ रहे हैं, सारे स्पेसिफिकेशन में बनाए हुए, जाके जरूर देखिए। पॉसिबल हो सकता है अगर अप्रैल में लॉन्च ना हो तो आपको बहुत ज्यादा कुछ सुनने को मिल जाए इंडिया लॉन्च के बारे में, मई स्टार्टिंग में या फिर अप्रैल एंड में ये स्मार्टफोन इंडिया में आपको देखने को मिल सकता है। प्राइसिंग इसकी
30,000 से 40,000 के बीच में होगी। लेट्स सी, देखते हैं कब तक लेकर आते हैं, वेट रहेगा इसका। पहले चाइना में लॉन्च हो जाए, अभी मार्च में लॉन्च होने वाला है, इसके बाद पॉसिबली अप्रैल एंड या फिर मई स्टार्टिंग में ये इंडिया में आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। चलिए बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स में चलते हैं, OnePlus और उसके सब ब्रांड यानी नॉर्ड में। तो OnePlus की तरफ से OnePlus 10 सीरीज जो है ऑलरेडी जो चाइना में लॉन्च हो चुका है, ये आपको पॉसिबली अप्रैल में देखने को इंडिया में मिल सकता है। प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा होगी ऑब्वियसली, 40,000 के ऊपर से ही शुरू होगा, उससे नीचे तो एक्सपेक्ट मत ही करना, लेकिन ये स्मार्टफोन पॉसिबली आपको देखने को मिल सकता है अप्रैल के मंथ में। स्पेसिफिकेशन वही स्नैपड्रैगन 888 और 8 जेन 1 वाले हैं, बाकी सारी चीजें टॉप लेवल की मिलती हैं एंड आपको ये देखने को मिल जाएगा अप्रैल के मंथ में। वेट कर लेते हैं, देखते हैं लेकर आते हैं कि नहीं और कितना लेट करते हैं इसके लिए। लेकिन नॉर्ड के दो फोन आपको पॉसिबली देखने को मिल सकते हैं अप्रैल, नॉर्ड 3 जो है ये शायद अप्रैल एंड तक जाए या फिर उसके बाद मई में, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन आने चालू हो गए कल, इसके ऊपर मैंने परसों वीडियो बनाया था, जाके जरूर देखिए क्या स्पेसिफिकेशन है इसके। एंड ये स्मार्टफोन कहा जा रहा है या तो अप्रैल एंड या फिर मई में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक स्मार्टफोन नॉर्ड CE2 लाइट, ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा अप्रैल के मंथ में, ज्यादा चांसेस इसके आने के। एंड ये कहा जा रहा है रीब्रांडिंग होगा, आईक्यू Z6 जो है, जो वीवो T1 का ऑलरेडी रीब्रांडिंग है, वो स्मार्टफोन देखने को मुझे लगता है पंचोल के साथ ही आएगा, थोड़े डिफरेंसेस के साथ आएगा, लेकिन कहा जा रहा है उसी को लेकर आने वाले हैं रीब्रांड करके। लेट्स सी, देखते हैं क्या लेकर आते हैं, लेकिन ये 3 स्मार्टफोन इंडिया में आपको OnePlus की तरफ से देखने को अप्रैल में मिल जाएंगे दोस्तों। लास्ट मोटो की तरफ से आने वाला है Moto S30। ये Moto S20 का सक्सेसर होगा, जो स्नैपड्रैगन 778G के ऊपर आया था ना, उसका सक्सेसर होने वाला है ये स्मार्टफोन भी, आपको कहा जा रहा है अप्रैल एंड तक देखने को मिल जाएगा। इसके लीक्स कुछ आने लगे हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन सारी चीजें, एक दो चीजें डिस्प्ले के बारे में पता चली, ज्यादा कुछ खास नहीं पता चला है, लेकिन कहा जा रहा है कि अप्रैल एंड होते होते मोटो की तरफ से Moto Edge 30 जो है ये इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। मिड रेंज का फोन होगा, मतलब उनके हिसाब से मिड रेंज, मतलब 30,000 के आसपास की प्राइस होगी इसकी, तो ये आपको देखने को इंडिया में मोटो की तरफ से मिल जाएगा। इसके अलावा की बात करें तो इन्फिनिक्स की तरफ से, टेक्नो की तरफ से, फिर माइक्रोमैक्स की तरफ से, लावा की तरफ से, नोकिया की तरफ से, वीवो और आईकू की तरफ से कोई खास स्मार्टफोन आता हुआ दिख नहीं रहे, तो मुझे लगता है कि इनकी तरफ से कोई स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होंगे अप्रैल के मंथ में। अगर कोई सडन आ गया एक दो तो अलग बात होगी, लेकिन ज्यादा कुछ मुझे प्लान दिख नहीं रहा इनका किसी स्मार्टफोन को लॉन्च करने का अप्रैल के मंथ में। मुझे मालूम है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन 15 स्मार्टफोन की लिस्ट थी तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली। कौन से वाले का आप वेट करोगे जरूर बता देना, एंड कैसा लगा वीडियो ये बता देना, पसंद आया लाइक शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो एंड मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट खास नहीं करना है, साइड में देखो वेक्टर इमेजेस के ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।